मिल रहा है, मालूमात में इजाफा भी हो रहा है और तहाइफ भी मिल रहे हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलना है मगर पहले कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी मैं हूँ उम्मे अलिया तारिया पाक पतन शरीफ से। माशाल्लाह वो प्रोग्राम आ गया जिसका सारा साल इंतजार रहता है। अब्दुल हबीब अंकल आपको प्रोग्राम जैनी आजमाइश में वेलकम। अलैकुम अस्सलाम मरहबा। वाओ जैनी आजमाइश का सेट बहुत ब्यूटीफुल है। अब्दुल हबीब अंकल मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह हमें जैनी आजमाइश का पूरा साल इंतजार रहता है, क्या आपको भी इंतजार रहता है? हाँ इंतजार तो बहुत सारी वजूहात की बिना पर रहता है, क्योंकि इन दिनों में मेरे बहुत सारे दीगर काम भी रुक जाते हैं ना जैनी आजमाइश की वजह से, तो वो ज़ाहिर प्लानिंग भी करनी होती है। और नो डाउट माशाल्लाह हमारे सिलसिले के लिए पूरा साल हमारी टीम तैयारी करती है, सवाल जवाब करते हैं, तो हम उसमें भी मशवरे कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटमेंट ज़रूर होती है, मदनी चैनल के ज़रिए दुनिया भर में ये बात पहुँचती है, निकी की दावत पहुँचती है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अहमद रजा तारी है, मैं बांग्लादेश हटहजारी से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका हमें सारा साल ही इंतज़ार होता है। इस प्रोग्राम का नाम जैनी आजमाइश है। माशाल्लाह जैनी आजमाइश का सेट तो बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इस सेट को बनाने में मेहनत की, अल्लाह पाक उन्हें बार बार मीठा मदीना दिखाए। आमीन। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। मुझे बताया गया है कि बहुत सारी कॉल्स हैं, आप रोज ही कॉल्स करते रहिएगा, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ शामिल करते रहेंगे। वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का जिसका नाम है इश्क।